हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका? पॉलीनोमियल्स, जिसको हिंदी में अपन लोग कहते हैं बहुपद। तो पॉलीनोमियल को अपन लोग दो चीजों में बांटेंगे, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, एंड नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स मीन पद, मतलब कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल्स। क्लास टेंथ में आपको पढ़ना है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलीनोमियल वन वेरिएबल का मतलब क्या है? अब देखिए, सब समझिए। यहां पे पॉलीनोमियल्स क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों आते हैं। मतलब ऑपरेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलीनोमियल वन वेरिएबल का मतलब क्या है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। क्लियर है? अब पॉलीनोमियल की बात, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पे कि पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल, वो कैसी होती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ? जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीनोमियल को अपन लोग लिखते कैसे हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट किस से करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कि पॉलीनोमियल इन एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग? पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल इन एक्स, मतलब आपके पास यहां पे क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स है। अगर हम कहें पॉलीनोमियल इन वाई, मतलब पी वाई। क्लियर है? तो मतलब पॉलीनोमियल का सिंबल क्या है आपका? पी एक्स लिख लो, पी वाई लिख लो। तो यहां पे ये जो बताता है, क्या बताता है कि उसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या है? यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है। अगर पी जेड लिख दिया, पी ऑफ जेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? पॉलीनोमियल इन वेरिएबल जेड। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इस वर्ड का मीनिंग। मतलब कि इस सिंबल से अपन लोग पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल को अपन लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किस सिंबल से? इससे, इन वन वेरिएबल। क्लियर है? अब देखिए यहां पे एक मैं पॉलीनोमियल लिख रहा हूं यहां पे, जैसे पी एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल क्या आएगा? एक्स आएगा। मैंने यहां पे लिखा ए नॉट, मतलब ए जीरो बोल सकते हैं, ए नॉट बोल सकते हैं, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स क्यू से लेकर के अप टू कहां तक? ए एन एंड एक्स की पावर एन। अब यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे आपके पास वेरिएबल क्या है? वो क्या है? एक्स है। और एक्स की पावर क्या हो रही है? देखिए यहां पे कुछ नहीं है, पावर क्या मानी जाएगी? वन मानी जाएगी, फिर टू, फिर थ्री, कब कहां तक? एन तक। तो यहां पे पावर ऑफ एक्स कैसी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? और पावर कैसी हो रही है? बढ़ती हुई चली जा रही है। आई बात समझ में? तो यहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। क्लियर है? अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब यहां पे क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स। कितनी है यहां पे? एन, मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स जो पॉलीनोमियल आपने लिखा है क्या है? एन है। तो डिग्री का मतलब आप लोग जानते हो, क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर जो होती है
उसको अपन लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे अपन ने हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या ले ली, एन, तो एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया ये। अब जो यहां पे मैंने, देखिए मैंने एक कांस्टेंट लिया ए, अब ए को ही बार बार लिखना है मेरे को, तो क्या करूंगा, मैंने ए जीरो लिख दिया, ए वन लिख दिया, ए टू लिख दिया, ए थ्री, तो इसका मतलब क्या है, ए जीरो इसे सिंबल है, ए वन ए टू ए थ्री और ये सारे जो है ए एन तक, ये क्या है आपके कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट में क्या आएंगे आपके रियल नंबर्स, क्या आएंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब जो अपन लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं आप पिछली वीडियो में, क्लियर है, रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ सकते हैं, तो इनकी प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो एक्स क्या है यहां पे वेरिएबल है, पावर ऑफ एक्स क्या आएंगे यहां पे पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी खासियत, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, क्लियर, और पावर्स कैसी हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, पहले वन फिर टू फिर थ्री, और यहां पे कुछ नहीं लगाया तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्स ई पावर जीरो, और क्योंकि एक्स ई पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन, क्लियर है, किसी वेरिएबल की पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन, तो वन का मल्टीप्लाई, जैसे इसका मतलब हम जाने तो ए जीरो इंटू वन मतलब ए जीरो आएगा, तो उसको अकेला ए जीरो लिख दिया, क्लियर है। तो ये पॉलिनोमियल का क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें जिसमें आपकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल, क्या है, एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, एक्स, बस उसकी पावर बढ़ती हुई चली आ रही है, और ये क्या है, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल्स भी है, और कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्लियर है, तो यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, और वेरिएबल की पावर्स कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्लियर है, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है, तो इसको कहेंगे एन डिग्री वाला पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है आपका एक्स, और ये आपका पता ही है सिंबल है, सिंबल को क्या बोलते हैं अपन लोग, पी एक्स का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर मैं यहां पे पी टी लिख दूं तो क्या होगा इसका मतलब, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आना चाहिए, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब अपन लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल की टाइप्स, जो कि अपन लोग क्लास टेंथ के सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लोग होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब बहुपदों का वर्गीकरण, क्लियर। तो बहुपदों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्लियर है, मतलब कि उसमें कितने टर्म्स आ रही हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, और उसमें उसकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है उसके बेसिस पे उनका नामकरण यानी कि टाइप आते हैं। तो अपन लोगों को बेसिकली टेंथ क्लास में पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अपन लोग पढ़ते हैं बेटा यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री, यदि क्या है, डिग्री क्या है वन, मतलब डिग्री कितनी है वन, तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर। और डिग्री क्या है आपकी बेटा, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है टू, तो इसको बोलेंगे अपन लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री थ्री है तो बोलेंगे अपन लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री कितनी है फोर तो बोलेंगे बाई
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्लियर है? और थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर डिग्री कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो इसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलीनोमियल। और डिग्री यदि चार से ज्यादा है, क्लियर है, तो यहां पे उसको पॉलीनोमियल ही कहते हैं। मतलब है तो सारे पॉलीनोमियल, लेकिन कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, क्लियर है, पॉलीनोमियल ही नेम आएगा, क्लियर है। तो सिर्फ डिग्री जीरो, डिग्री वन, टू, थ्री, फोर, इनके नेमिंग दे दिए गए हैं। तो डिग्री वन वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीनोमियल। डिग्री टू वाले को क्या बोले जाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जिसकी डिग्री थ्री, उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। और जिसकी डिग्री फोर, उसको क्या बोला जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और जिसकी डिग्री जीरो, उसको बोला जाएगा कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। अब इन सब के अपन लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म क्या होते हैं? तो देखिए, लीनियर पॉलीनोमियल का होगा, जैसे अपन लोग पी एक्स से स्टूडेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी में देखिए, एक्स वेरिएबल क्या है? एक्स है। और एक्स की पावर यहां पे देखिए क्या है? कुछ तो दिखाई देने नहीं रहा है, तो यहां पे क्या मानते हैं अपन लोग? वन मानते हैं। तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पे? वन। तो लीनियर पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का जो होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बाई क्वाड्रेटिक का बोलेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर फोर बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। और इन यहां पे अपन लोग इसको बोलेंगे पी एक्स इक्वल टू ए, क्लियर है? क्योंकि देखिए यहां पे डिग्री वन, यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब डिग्री टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहां पे कितनी है? थ्री, मतलब डिग्री थ्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? फोर, मतलब डिग्री कितनी है? फोर। यहां पे वेरिएबल ही नहीं है। क्या नहीं है? वेरिएबल ही नहीं है। तो जब वेरिएबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? ए एक्स की पावर जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू वन, क्या आ जाएगा? ए। तो डिग्री क्या हो गई? जीरो। अब इन सभी में कंडीशन अप्लाई, वेयर क्या लिख सकते हैं? वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर इन सभी में अगर मैं जीरो कर दूं, तो देखिए ये जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा? तो जैसे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल बन जाएगा। इसमें अगर ए की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये गायब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहां पे कंडीशन अप्लाई, चाहे ये लिखो चाहे ये, इन सभी में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए किसका कॉफिशियंट है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का, ठीक है ना? मतलब कि जो वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है, जिससे हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं, उसका कॉफिशियंट ये है। अगर ए को ही अपन ने जीरो कर दिया तो वो टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, और टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो इन डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसकी, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जैसे मैंने यहां पे एक अपन ने एन डिग्री वाला पॉलीनोमियल लिखा था, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन लोग लिखे हैं यहां पे, तो देखिए यहां पे मैं लीनियर पॉलीनोमियल को लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बेटा? जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको, या यहां पे देख लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स। मैंने सिर्फ कहां तक? ए जीरो से स्टार्ट किया, कहां तक गया? वन तक गया। और डिग्री कितनी है यहां पे? वन। इसको मैं लिख सकता हूं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिग्री टू तक जाना है सर, क्लियर है? और मैं इसको लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू। इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर। देखिए डिग्री फोर तक। और मैं इसको ले सकता हूं डिग्री जीरो वाले को सिर्फ ए जीरो, क्लियर है? तो ए जीरो ए वन क्या थे? ये सब रियल नंबर्स थे। यहां पे ए बी सी डी ई क्या है? ये सब रियल नंबर्स है, और कॉन्स्टेंट की जगह पे आएंगे। और एक्स क्या है? वेरिएबल है। और देखिए पी एक्स लिखा है, मतलब पॉलीनोमियल इन वेरिएबल एक्स।
पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, देखिए यहां पे, तो चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, इन सभी में कंडीशंस क्या रहेगी, जैसे इसमें कंडीशन लगाए हम यहां पे, तो ए वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे लगाए तो ए टू की वैल्यू जीरो इक्वल नहीं आएगी, यहां पे ए थ्री की वैल्यू जीरो इक्वल नहीं आएगी, यहां पे ए फोर की वैल्यू जीरो इक्वल नहीं आएगी, यहां पे ए जीरो जीरो इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको यहां पे? तो जहां पे जिस टर्म से अपन लोग डिग्री फाइंड करते हैं उस टर्म में जो भी कॉफिशियंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाइड। क्लियर है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी, जीरो। क्लियर है, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री कहलाती है। अपन लोगों को पढ़ना ही है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब जो भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे वो एक्स 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 हो, चाहे वो वाई 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 हो, चाहे वो जेड 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 हो, चाहे वो टी 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 हो, जो भी आपका वेरिएबल है उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर आई बात समझ में, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या कहता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इफ पीएक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब पीएक्स एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, के क्या है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, क्लियर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन वाई रिप्लेसिंग एक्स वाई के, मतलब एक्स की जगह पे के रखने पर जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को अपन लो इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, उस वैल्यू को अपन लो क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पी एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इक्वल टू के, मतलब एक्स की जगह के रखने पर या एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखने पर जो भी वैल्यू अपन को मिलेगी उसको अपन लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, ये क्या है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसलिए इसको पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, और वैसे अगर बात करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है, टू, और सबसे बड़ी पावर ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे, टू, यानी कि डिग्री कितनी है, टू, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं कहूं यहां पे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू वन पर पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब एक्स की जगह क्या रख देना है आपको, वन रख देना है, तो एक्स की प्लेस से वन रखेंगे तो यहां पे भी रखना पड़ेगा, तो वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस टू, तो वन का स्क्वायर वन, थ्री वन जा थ्री प्लस टू, वन थ्री फोर, फोर टू कितना हो गया सिक्स, तो सिक्स इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पे क्या आती है, सिक्स। अब यहीं पे नया कॉन्सेप्ट चालू होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो, ये बहुत बड़ा टर्म है, और बहुत बड़ा टर्म का मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता, तो देखिए यहां पे मैंने क्या निकाली, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन, अगर सपोज दैट यहां पे कहानी क्या है, अगर यहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू वन पे क्या आ जाती, जीरो आ जाती, सिक्स की जगह क्या आ जाती, जीरो, मतलब एक्स की वो वैल्यू, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसको अपन लोग एक्स की प्लेस पे रखने के बाद वैल्यू ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उस वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को अपन लोग
एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैसे जनरली रूट जो वर्ड है इक्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपन लोग जीरो और रूट का मतलब एक ही होता है, या जीरो बोलो या रूट बोलो। अब मैं इसको कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं, जीरो और रूट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, कब, जब, व्हेन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इज जीरो। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अपन लोग पॉलिनोमियल में रखेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाएगा, या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्लियर है? जैसे सपोज दैट यहां पे मैं एक्स इक्वल टू माइनस वन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो जैसे ही हमने एक्स इक्वल टू माइनस वन लिखा तो पी माइनस वन निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे यहां पे, तो माइनस वन का स्क्वायर थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो वन का स्क्वायर वन, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, वन का स्क्वायर वन तो प्लस का वन, और थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू। अब देखिए वन और टू थ्री हो गए, थ्री माइनस थ्री क्या गया, जीरो हो गया। तो x की वैल्यू माइनस रखने, माइनस वन रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो x इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स। क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है? तो x इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, तो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है सर, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू। अब कौन सा वेरिएबल की वैल्यू, जिस उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू, कब, कब कंडीशन अप्लाई, जब वो वैल्यू रखने पर, वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखी जाए तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब अगर पॉलिनोमियल x का है, x वैल्यू का है, तो x की वो वैल्यू जिस वैल्यू की बात करें, x की वो वैल्यू जिसमें जो अपन लोग पॉलिनोमियल में रख दें, किसमें रख दें, पॉलिनोमियल में रख दें। क्लियर है? x की वो वैल्यू जो अपन लोग पॉलिनोमियल में रख दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बाद, तो उस x की वैल्यू क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है। क्लियर है? और यहां पे x इक्वल टू माइनस वन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो x इक्वल टू माइनस वन क्या हो गया, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू के, x इक्वल टू के पॉलिनोमियल x की प्लेस, x की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, पी के। क्या बोलेंगे, पी के। क्लियर है? आई बात समझ में? तो पी एक्स है, एक्स ही है, के रखें तो पी के। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। और एक्स इक्वल टू के पर, के क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स इक्वल टू के पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो x इक्वल टू के क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? क्लियर? वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब मैं आपको एक पते की बात बताने वाला हूं। जैसे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि अपन लोग ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्लियर है, क्यूबिक है, क्लियर है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहता है।
तो लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है। क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी लाइन खींचेगी, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर आपका पी एक्स है, क्लियर है, पॉलीनोमियल इन एक्स है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोला। कैसा रहेगा? पैराबोला। हिंदी में उसको कहते हैं परवलय। तो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो आपका आलेख यानी ग्राफ कैसा रहता है? परवलय यानी कि पैराबोला। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज पैराबोला। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अब आपको यहां पे एक चीज और बताने वाला हूं कि जिसकी जितनी डिग्री, जिस पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री, उसमें उतने ही एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। जैसे कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? जीरो। तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे? जीरो, एक भी जीरो नहीं रहेगा। लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? वन। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे? वन। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? टू। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं वहां पे? टू। क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री रहती है थ्री। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं वहां पे? थ्री। और बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी रहती है? फोर। तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? फोर। इसके बाद वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं बनाने वाला हूं और आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।